राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद, सिमली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, सिमली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौहान, आप देख रहे हैं पवन पुरोहिया न्यूज। आज गांव-गांव में बूथ का गठन किया जा रहा है। हमारे बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी जसवंत सिंह उर्फ सिवनी सिंह हमारे बीच हैं। आइए हम जानते हैं उनसे जो गांव में गठन बूथ का किया जा रहा है। सर, आज कई दिनों से लगातार दौरा आपका चल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? दौरा तो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है और मात्र यही प्रभु के ऊपर है कि प्रभु बारिश नहीं दे रहे हैं, इसी का हम लोगों को दुख है। अगर बारिश हो जाती तो हमारे कार्यकर्ता और तेजी से चलने लगते। 2022 में जो चुनाव है उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? 2022 में आप मान के चलिएगा कि मेरे नेताजी का जो विचार है वो पूरा होगा और जो कुछ कई लोग हमने देखा है कि मोबाइल में सीधा सीधा बोल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रतिभा का इस प्रकार से गलत उपयोग न करें। आपका जो आपको जो जगह मिला है उस जगह से आप इस देश के गरीबों की सेवा करें और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें। सर, सूत्रों से खबर लगी है कि कुछ गठबंधन की बात चल रही है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये बात तो नेताजी जानते हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो आदेश मिलेगा वही हम लोग काम करेंगे। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे नेताजी का संदेश होगा, जो संदेश आपको मिले टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, जो भी मिलता है जैसे मिलता है उसी आदेश से आप लोग चलिएगा। नेताजी के सिद्धांत पर हमेशा चलिएगा, मतलब नेताजी का जो भी डिसीजन होगा उसी पे कार्य होगा। हाँ, वही उसी पे कार्य होगा, उसी पे हमारे सभी नौजवान साथी जो है सभी कार्यकर्ता काम करेंगे।